छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के मकसद से हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय विज्ञान विकास उद्योग परिषद और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर बिलासपुर में 27वां राज्य स्तरीय चिल्ड्रेन्स साइंस का आयोजन किया, जिसमें बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बालिका विद्यालय में आयोजित इस 4 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन में प्रदेश भर से 700 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया और विभिन्न विषयों से संबंधित मॉडल्स प्रस्तुत किए, जहां एक ओर छात्रों ने इन मॉडल्स में विज्ञान से जुड़ी अनेकों खोजों का समावेश किया तो साथ ही समाज को संदेश भी दिया, जिसमें मुख्य रूप से यातायात के नियमों का पालन करना और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। वहीं बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सभी मॉडल्स की जमकर सराहना की। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए राजेश्वर गोयल ने जहां इस राज्य स्तरीय साइंस कार्यक्रम द्वारा बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा को निखारने का एक मंच बताया, तो साथ प्रदेश और कांग्रेस सरकार द्वारा सामाजिक समस्याओं को दूर करने और इसके उपायों को आमजन तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण करार दिया। हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें हर साल जैसा कि मंडल स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर पर जो है आयोजन किया जाता है। जैसे मैडम ने बताया कि करीब 25,000 एंट्रीज जो है सब डिविजन लेवल पर इस वर्ष आई है, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। राज्य स्तर पर भाग लेने वाले बाल वैज्ञानिकों में से जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारे बाल वैज्ञानिक है, जैसे मुझे बताया गया, उनमें से 16 चाइल्ड साइंटिस्ट वो राष्ट्रीय स्तर पर केरला में 27 से 31 दिसंबर तक जो हमारा नेशनल साइंस कांग्रेस होगा उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और साथ में यह भी बताया गया इनमें से 2 जो बच्चे हैं वो इंडियन साइंस कांग्रेस जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है। ये जो कांग्रेस है इसमें 10 से 17 वर्ष के जो हमारे आयु वर्ग के बाल वैज्ञानिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर ये विचार करेंगे। इससे हम बात करते हैं क्लीन, ग्रीन, हेल्थी नेशन की, जो कि आज की डेट में इन थिंग है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी अगर आप देखें थ्रस्ट है पूरा सरकार का, चाहे केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, इन एरियाज के ऊपर पूरा थ्रस्ट है। और जिला प्रशासन में हम नियमित रूप से कैंपेन्स तरह तरह के जो है समय समय पर इन क्षेत्रों में वो आयोजित करते रहते हैं। और डेफिनेटली इस दिशा में इस कांग्रेस का और बच्चों में जो इन जो विषय है उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये कांग्रेस बहुत सक्सेसफुल रहेगी।